कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? ये दो लोग आज फिर एब्सेंट है। कौन कौन? कोई आके भी गया है वापस? कौन? गुरुप्रताप आके चला गया? क्या हुआ? स्टमक पेन हो रहा था। क्या क्या उसने क्रिकेट खेला था कि फुटबॉल? अच्छा, उसने जिम लगा लिया था। ओके, अशप्रीत इज प्रेजेंट, धर्मेंद्र इज नॉट देयर, अमृत इज नॉट देयर, अतिंदर इज प्रेजेंट, यशिका प्रेजेंट, समीक्षा प्रेजेंट, समरीत प्रेजेंट, गुरलीन प्रेजेंट। दैट्स ऑल। गुड, ये अच्छे बच्चे हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, है ना? चलो जल्दी से पहले ये बताओ कि वो जो 20 क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए? और डाउट्स बताने आपने मुझे, क्या डाउट्स है? अशप्रीत, आपने किए वो क्वेश्चंस? बेटा बताओ उसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन दिए थे, आप बताओ उसमें जो डाउट्स हैं उन्हें। 60 to 65। हाँ जी बेटा, 69 या 59? 59। ओके, 69th question. Okay, or be doubt? 69th question is 70 तक कोई doubt है? Till 70 any doubt? Till 75? Or till 80? 80 तक कोई doubt है बेटा? Till 80 any doubt? No doubts. चलो कवर अप करिए। 69 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, इट इज 120 ग्राम यूरिया, दैट मींस इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपके पास आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा आपके पास है 1000 ग्राम्स, तो नेचुरल है वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1120 ग्राम्स। ये सब बोला है? अब सॉल्यूशन का वेट आपके पास है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 1120 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते थे। यह आ जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 1.15। समझ आया? अब आपको कहा गया था कैलकुलेट द मोलारिटी। बेटा मोलारिटी होती है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का वेट कितना है? 120, मॉलिक्यूलर मास 60, 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब आ गया 1120 इनटू 1.15। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 2। कैंसिल, 2 × 115 डिवाइडेड बाय 112, दिस विल बी द आंसर। करो जरा। वन थर्टी अपॉन 112। 2 के टेबल से सॉल्व करते जाते हैं।
ये 130 एक मिनट, ये यहाँ से सॉल्व करो, पहले 2 से काट लो, इसको काटना तो पड़ ही रहेगा। 56 115 बाय 56 2 पॉइंट समथिंग 2.05 सी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस, दैट्स ऑल, डन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टिल 80th क्वेश्चन, एनी डाउट? अशप्रीत बेटा हुए थे क्वेश्चन सॉल्व? Yes. अब हो रहे थे, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी? That's good. हाँ जी, 80 तक कोई डाउट है किसी का? गर्ल्स आपका कोई डाउट है? No doubts. Done. आपका कल का होमवर्क है, कल होपफुली है हमारे पास फ्राइडे है ना, तो कल का आपका होमवर्क होगा टिल 92 सारे क्वेश्चंस, यानी आपकी ये असाइनमेंट अच्छे से हो जानी चाहिए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अलोंग। वैसे तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी आपके स्कूल में चैप्टर 1, ठीक है, एनसीईआरटी तो आपके स्कूल में करवा दी हुई है, फिर भी आपने एक बार अच्छे से उसे पढ़ के देखना है ताकि आपको समझ आ जाए, कोई गलती ना हो, और स्कूल में फुल मार्क्स आने चाहिए अगर चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ तो। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स अबाउट योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एनसीईआरटी कल आपने मेरे से एनसीईआरटी के डाउट्स लेने हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, और अगले 12 क्वेश्चन, सिर्फ 12 ही क्वेश्चन रह गए ना, अब तो कर लोगे, समृद्ध हो जाएगा बेटे। ओके डन, चलो जी अब आगे करें कंटिन्यू। कल हमारा चैप्टर 1 पैक हो जाएगा ना, फिर चैप्टर 2 का होमवर्क हम छुट्टियों के लिए रखेंगे, छुट्टियों में अभी छुट्टियां हो जाएंगी आपको यहाँ से भी, तो उसमें चैप्टर 2 का सारा होमवर्क दूंगी ताकि आराम से पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस करते करते आना, कितना होमवर्क है स्कूल का? स्टार्ट भी नहीं किया। क्या होमवर्क मिला है? क्या है लिखने का होमवर्क? अच्छा, कोई न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर के दिए? फर्स्ट और चैप्टर 5 के। फर्स्ट के कितने हैं? 35 क्वेश्चन दिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के पांच पांच पार्ट हैं। नहीं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, नहीं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कितने हैं वो बताओ। वो कोई बात नहीं, आप ऐसे करते हैं ना, डू वन थिंग, स्कूल की छुट्टियां कब तक है? स्कूल वन तक है बस, तो आजकल आजकल आपका स्कूल लगा नहीं हुआ, छुट्टियों पे हुआ? ओके, आप घर से आ रहे हो, ठीक है, चलो कल ऐसा करते हैं ना, आज मैंने आपको होमवर्क दिया है 92 तक दिया ना, 12 क्वेश्चन दिए मैंने, अब कल का होमवर्क है, आपने जो स्कूल का होमवर्क मिला है ना उसके 10 क्वेश्चन करके आने, फर्स्ट है, कर लोगे? अब आपके स्कूल का होमवर्क भी हो जाएगा, उसमें जो डाउट्स होंगे वो आप एटलीस्ट यहाँ क्लियर कर लोगे, तो आपके 10 क्वेश्चन खत्म तो हुए, ठीक है? तो कल आप स्कूल वाले जो 10 क्वेश्चन है पहले वो करके आना, अब वो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आएगी, जो डाउट होंगे ना जब मैं आऊँ तो पीछे बोर्ड के ऊपर लिख देना कि ये डाउट है, कि मैं आप मुझे बता के बताओगे ना, पढ़ तो मैं पाऊंगी नहीं कि क्या दिया उन्होंने आपको होमवर्क, तो आप मुझे बोर्ड पे लिख देना कि ये वैल्यू दी है और ये पूछा हुआ है, मैं फिर आपको बता दूंगी क्या करना था, ठीक है, क्लियर है? तो अब हम ऐसा करेंगे, अब यहाँ से ही मैं आपके स्कूल के क्वेश्चन दे दिया करूंगी ताकि आपका होमवर्क भी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, तो कल के आपके होमवर्क हो गए। हाँ जी, जूम करके देखो, मैंने बेटा वो मुश्किल होगा, बहुत छोटा लिखा होता है ना, इट्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। अच्छा चल ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कैमरे के पास रखना जरा, कितना बड़ा हुआ,
सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा. नहीं, उसके लिए ना मुझे जूम ही, उसमें मुझे पेपर पे जूम करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है. कोई बात नहीं, करूं. दिखाना जरा कहाँ है. अच्छा, एक मिनट और इससे मैक्सिमम जूम करके देखती हूँ कितना दिखता है. ये मैक्सिमम जूम हो चुका है और इसमें मेरे से कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा. या नहीं बेटा, नहीं पढ़ा जाएगा. इसका एक ही मेथड है, इसको हम इसका एक ही मेथड है. आप बोर्ड पे लिख देना और हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, और वैसे तो आपके डाउट्स इतने होने ही नहीं, मुझे पता है 10 questions आपको मैंने दिए हैं, तो 10 में से हार्डली 2-3 डाउट आने हैं. ठीक है, वो भी नहीं आएंगे फिर तो और भी अच्छी बात है. चलो, कल का होमवर्क थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, 12 question दे दूं. नहीं, 12 तो वो ऑब्जेक्टिव है ना, 12 आप इसके लिए लो, 24 हो जाए. ठीक है, तो कल आपने होमवर्क, हॉलीडेज होमवर्क के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं. डन, याद रहेगा. चलो जी, अब हम अगला टॉपिक करें. लास्ट क्लास में हमने कल तक कर लिया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको करा दिए थे. नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज हांजी. बोलो बोलो. -13.6 into z square upon n square. ठीक है, लिख लिया. नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. Velocity of electron in a shell. According to Bohr's atomic model, beta velocity of electron is 2.18 into 10 raised to power 6 z by n meter per second. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बोहर ने हमें दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला यहां भी है. इसको सेट कर दो, जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है. ठीक हां जी, this formula of velocity of electron, it means velocity is directly proportional to z and inversely proportional to n. तो आपके पास velocity of electron is directly proportional to atomic number and is inversely proportional to number of shell. That means hydrogen, helium 1 positive, lithium 2 positive and beryllium 3 positive. One electron. अब क्योंकि atomic number increase कर रहे हैं, देखो जरा, value of atomic number is 1, 2, 3, and 4. अब atomic number क्योंकि increase कर रहा है, तो natural है जैसे जैसे atomic number increase करेगा तो velocity of electron भी क्या कर जाएगी, increases.
तो आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजेस एज न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन थर्ड शेल, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में और थर्ड शेल में, तो वेलोसिटी इज v1, v2 एंड v3. तो v1 इज मोर देन v2 देन v3. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ढीला ढाला सा चलेगा जब वो 8th शेल में होगा, आराम आराम से चल रहा होगा, ऐसे कह सकते हो. तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है जैसे दूर जा रहा है. न्यूक्लियस के पास वो तेज तेज घूम रहा है, धीरे गया फिर थोड़ा तेज और स्लो, फिर और आपको धीरे ऐसे लास्ट में जाते जाते वो बिल्कुल स्लो स्लो घूम रहा है. जैसे आप ये कह सकते हो कि प्लैनेट्स भी तो ऐसा ही करते हैं. जो प्लैनेट सन के पास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मोर, क्योंकि न्यूक्लियस सन से बचने के लिए उसको ग्रेविटेशन को काउंटर बैलेंस करना है. इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करेगा. न्यूक्लियस के पास उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और न्यूक्लियस से दूर जाकर उसकी वेलोसिटी काफी कम हो जाती है. क्लियर हो गया? तो ये आपके पास था वेलोसिटी फॉर्मूला. नाउ वी सम अप द बोहर्स मॉडल. अगर हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल को पूरी तरह से सम अप करें तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैन बी रिटन एज न्यूक्लियस एंड फर्स्ट शेल. एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज -13.6 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल इज 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड एमस्ट्रॉन्ग. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.18 10 रेज टू पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड. एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. क्लियर हो गया? एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी. दिस शेल इज कॉल्ड के शेल. के शेल मींस n इज 1. तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपको कुछ फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा था और इन फॉर्मूला से आप कुछ चीजें समझ पाए. नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ आना चाहिए. एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी डिक्रीजेस, सॉरी एनर्जी इंक्रीजेस. एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी गैप डिक्रीजेस. रेडियस इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो आपको समझ आता है कि एनर्जी इंक्रीज करेगी. एट इंफिनिटी एनर्जी इज जीरो एंड दैट इज मैक्सिमम एनर्जी. तो इन टोटल बोहर्स मॉडल ये एक्सप्लेन कर रहा था. इन्हीं सारे पॉइंट समझने में हमने एक लेक्चर लगाया और अब हमें ये समझ आ रहा है कि ऑल दीज पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल. समझ आ गया व्हाट इज वेरियस फॉर्मूला सेक्शंस और फॉर्मूलाज ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल? समझ आ गया ना सबको? अच्छे से क्लियर हो गया? नाउ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक इज, अब हमें ये पूछ सकते थे, जरा ध्यान से देखना. इफ यू हैव दिस एनर्जी गैप इज डेल्टा ई 1.2, दिस गैप इज डेल्टा ई 2.3, तो दिस टोटल गैप इज डेल्टा ई 1.3. क्लियर? Now, energy gap program, आप कह सकते हो energy gap of various shells we have drawn. Delta E13 is equal to delta E12 plus delta E23. Is it clear? Because energy can neither be created nor be destroyed.
बेटा वी कैन राइट इट एज एच सी लेमडा 3 या लेमडा 1 should be equal to hc by lambda 2 plus hc by lambda 3. It will become 1 by lambda 1 is equal to 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 3. Or we can say h nu 1 is equal to h nu 2 plus h nu 3. In total, we can say nu 1 is equal to nu 2 plus nu 3. Display to nahi aa gaya slide pe? Main aaj hi daal diya. Aaj hi daal diya, good. Upar hai. Is position pe? Yes, this side thoda sa side. Okay, theek hai. तो आपके पास है एच सी बाय लैम्डा वन. इट मीन्स आप एनर्जी फॉर्मूला को ऐसा लिख सकते थे. यानी आप हमेशा याद रखोगे कि एनर्जी तो एडिटिव है, कि नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. लेकिन लैम्डा जो है इनवर्स में ऐड होता है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ऐड हो जाती है न्यू वन प्लस न्यू टू, राइट. E1 is equal to E2 plus E3. 1 by lambda 1 is equal to 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 3. Nu 1 is equal to nu 1 plus nu 2. Clear? Note kar liya? Then nu 3 hi aayega. Nu 1 is equal to nu 2 plus nu 3. Haan, make it correction. Theek hai.